खुद हंस भी रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि आपने क्या बात की, बट मैं मदिया की बात को सेकंड करूंगा। मदिया ने बहुत अच्छी बात की कि जिन पिचेस पे आपको नजर आ रहा है वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के लिए 350 360 प्लस बनाना मजाक है, सब आके खेलते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। 270 बनाए हमने, ये बहुत ही मतलब फाइटिंग मैं कहूंगा जो प्रीवियस स्टैट्स है हमारे उसको देखते हुए 270 फाइटिंग है, बट एट द सेम टाइम जिस तरह साउथ अफ्रीका खेल रही है मध्य के पास सही 350 प्लस होना चाहिए होना चाहिए। और आज 100% दोबारा देखने को एक चीज मिली है कि अंडर प्रेशर बाबर आजम ने नॉक खेली है, जबरदस्त बैटिंग किया उसने। बाबर आजम के लिए तालियां तालियां होनी चाहिए, और कप्तान के लिए तालियां, बाबर आजम के लिए भी और साउथ शकील के लिए भी, बिल्कुल उसने दोनों ने बड़ी अंडर प्रेशर बैटिंग खेली है और जहां जरूरत थी स्कोर की वो दोनों एटलीस्ट स्कोर करके गए हैं। तो आज का क्वेश्चन है हु इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन ओडीआई हिस्ट्री। ऑप्शन ए वसीम अकरम, ऑप्शन बी मुरली धरन, ऑप्शन सी शॉन एंड ऑप्शन डी वकार यूनिस। मैं ये सवाल दोबारा रिपीट करना चाहूंगा उर्दू में कि ओडीआई हिस्ट्री का हाईएस्ट विकेट टेकर कौन था, वसीम अकरम, मुरलीधरन, शॉन पोलक और वकार यूनस। आप लोग अपना जो जवाब है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, जो भी विनर होगा उसको मैं अनाउंस कर दूंगी, मदिया जो है वो अनाउंस करेगी, और विनर वो बात भी कर सकता है, उसको हम बुला भी सकते हैं, क्या हो सकता है ये आप बताएंगे। ये तो आप, मैंने कहा था ऐसा करना चाहिए, जो भी विनर हो आप हमसे शो में भी इनवाइट करना चाहेंगे, हम तो ये चाहते हैं, और वो हमारे साथ भी बैठे हैं, शो को भी इंजॉय करे, वो अपना फीडबैक भी दे शो। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।